हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बैजनाथ बाबा धाम के प्रांगण में जो शिव मंदिर और पार्वती मंदिर के अलावा जो बाकी 20 मंदिर हैं उनके आपको मैं दर्शन कराता हूँ। तो बोलिए एक बार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर जो लोग मन्नत मांगते हैं वो यहाँ पर आकर शादी भी करते हैं। तो देखिए, किसी की बारात भी यहाँ पर आई है। ये इस प्रांगण में बारात आई है पूरा बैंड बाजे के साथ। ये पार्वती जी का मंदिर है जिसके शिखर से ये गठबंधन का धागा भगवान शिव जी के मंदिर तक गया है। और चलिए अब इस प्रांगण में और भी मंदिर है, उनके दर्शन कराते हैं आपको। इस प्रांगण में कुल 22 मंदिर है। तो चलिए पहले आपको लेकर चलते हैं श्री गौरी शंकर मंदिर। इस मंदिर के अंदर आपको एक एक दर्शन करा रहे हैं। ये गौरी शंकर जी हैं। जय श्री गौरी शंकर जी। यहाँ बाबा धाम में हमेशा बहुत ही भीड़ रहती है, देख रहे होंगे आप लोग। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं तारा माता जी के मंदिर में। यहाँ पर देखिए, तारा माँ का आप लोग दर्शन कर लीजिए। जय माँ तारा, अपना आशीर्वाद हम लोग पे बनाए रहिए। जय माँ तारा। आज सोमवार का दिन है तो भीड़ भी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, कुछ मांगलिक कार्यक्रम वगैरह भी हो रहे हैं, मुंडन भी हो रहे हैं इसी कैंपस में। और अब चलिए आपको लेकर चलते हैं माँ अन्नपूर्णा जी के मंदिर। ये सामने माँ अन्नपूर्णा जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। जय माँ अन्नपूर्णा। यहाँ प्रांगण में ही बेलपत्र, फूल, लोटा आदि आप लोग को मिल जाएगा जलाभिषेक करने के लिए। आइए अब हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर में चलते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कर लेते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। ये काफ़ी पुरानी मूर्ति है, यहाँ पर स्थापित है। और अब हम लोग चलते हैं श्री नीलकंठ मंदिर। यहाँ श्री नीलकंठ जी के दर्शन कर लिए। जय महादेव, अपना आशीर्वाद हम लोग पे बनाए रखिए। यहाँ देखिए, श्रद्धालु लोग गठबंधन का धागा बांध रहे हैं। बहुत ही भक्तिमय माहौल है यहाँ पर, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर हैं। और अब हम लोग चलते हैं माँ पार्वती मंदिर। माँ पार्वती मंदिर का ये मेन गेट है और यहाँ पर लाइन लगती है थोड़ी सी। चलिए इसके अंदर कोशिश करते हैं आप लोगों को दर्शन कराने का। हालांकि कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, देखते हैं ले जा पाते हैं कि नहीं। ये देख लिए माँ पार्वती जी के, आप लोग दर्शन कर लीजिए। वहाँ पर वीडियो नहीं बनाने दिए। चलते हैं हम माँ जगत जननी मंदिर, वहाँ के आपको दर्शन करा देते हैं। अब चलते हैं श्री गणेश मंदिर। जय गणपति महाराज। यहाँ पर देखिए गणेश मंदिर है और उसी के बगल में भोलेनाथ जी का मंदिर है। अब चलते हैं माँ संध्या मंदिर, माँ संध्या जी के आपको दर्शन करा देते हैं। जय माता दी। ये महाकाल भैरव जी का मंदिर है, इसी के मंदिर के बगल में बड़ा सा घंटा बंधा हुआ है। चलिए अब चलते हैं महाकाल भैरव मंदिर के अंदर। यहाँ पे देखिए, आपको दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। और ये है महाकाल भैरव जी। जय काल भैरव महाराज की जय। बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हो काल भैरव जी का। इसी मंदिर के बगल में एक चबूतरा है जहाँ पर लोग अगरबत्ती वगैरह जलाए रहते हैं। और सामने ये हनुमान जी का मंदिर है। चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ पिंडियाँ थी और यहाँ हनुमान जी हैं। जय बजरंग बली। और यहाँ पे यहाँ भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल आ रहे हैं। इसी मंदिर के बगल में यहाँ बच्चे का मुंडन भी हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब आपको मनसा माता के दर्शन करा देते हैं। जय मनसा माता जी, अपनी कृपा हम लोग पे बनाए रखिएगा। और अब हम लोग चलते हैं सरस्वती मंदिर। यहाँ पर सरस्वती जी के दर्शन कर लीजिएगा। मंदिर के बाहर यहाँ नंदी महाराज जी भी बैठे हैं। जय हो नंदी महाराज। और अब हम लोग चलते हैं सूर्य नारायण मंदिर। जय सूर्य भगवान की जय। यहाँ मंदिर के प्रांगण में ही देखिए शादी भी हो रही है। यह आपको सामने दुल्हन दिखाई दे रही होंगी, पूरे बाराती भी हैं और इस साइड आपको दूल्हे राजा भी दिख रहे होंगे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो शादी होती है उस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ये भक्तगढ़ जो लाइन में ऊपर लगे हैं, ये लोग भी शादी समारोह को देख रहे हैं, काफ़ी प्रसन्न हो रहे होंगे। चलिए अब अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। माँ बगला मंदिर में आपको माँ बगला माता के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ बाहर पुजारी जी मंत्रोज्वार द्वारा कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं। जय माँ बगला मुखी, अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रखिएगा। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ भी मिल गया माँ बगला जी का। यहाँ बाहर चबूतरे पे तुलसी जी का पेड़ भी लगा है, उसको भी लोग जल चढ़ाते हैं। और अब हम लोग अगले मंदिर की तरफ चलते हैं जो कि श्री राम सीता लक्ष्मण मंदिर है। यहाँ पर देखिए, सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का बहुत ही सुंदर श्याम पत्थर से मूर्ति बना हुआ है। और इसी मंदिर के बाहर आप गठबंधन का धागा ले सकते हैं। यहाँ पर माता जी का एक और मंदिर है, चलिए उनके भी दर्शन कर लेते हैं। जय माता दी। इसके बाद हम लोग चलते हैं श्री आनंद भैरव मंदिर। ये भी मंदिर बहुत ही सुंदर है। जय श्री आनंद भैरव जी। हर हर महादेव। जय हो।
जय देवघर बाबा, जय हो बैजनाथ बाबा। अब आपको लेकर चलते हैं श्री नर्मदेश्वर मंदिर, यहाँ आप नंदी महाराज और भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। जय बाबा भोलेनाथ। अब हम लोग VIP द्वार के प्रांगण में आ गए हैं, यहाँ भी कुछ मंदिर हैं, वहाँ दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर, यहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। जय श्री राधे। यहाँ पे दर्शन कर लीजिए, हालांकि काफ़ी दूर से दर्शन करा रहे हैं आपको, गेट बंद है इस समय। ये देखिए राधा कृष्ण मंदिर है, इसी प्रांगण के किनारे पर श्री बाबा बैजनाथ श्राइन बोर्ड का एक ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पर कुछ चीज़ों की रेट लिस्ट लिखी हुई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये इसी प्रांगण में एक और मंदिर है, यहाँ भी हम लोग चलते हैं, वहाँ दर्शन आपको करा देते हैं। इसके अंदर यहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी, अभी बनी नहीं है, केवल फोटो लगा हुआ है। जय माँ काली, जय श्री दुर्गा जी, जय राधे कृष्ण, जय भोलेनाथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में जितने भी मंदिर हैं उनके हम लोगों ने दर्शन किए। यहाँ की संध्या आरती और बाबा बासुकीनाथ जी के दर्शन भी आपको बहुत जल्द ही अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।